अगर एक बार आप इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाओगे तो कसम से कह रहा हूँ आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो ये जो दही भिंडी हम बनाने जा रहे हैं, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम भिंडी। और इस भिंडी को मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद मैंने इसे कपड़े से पोंछ के रखा हुआ है। फिर हमें इस भिंडी को इस तरह से मीडियम साइज के टुकड़ों में कट करना है। तो इनको मैंने तकरीबन 1 इंच के साइज में कट किया हुआ है। अब किसी भी एक पैन में या फिर कढ़ाई में हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। फिर जब तेल गर्म हो जाए तब जो भिंडियों को हमने काट के रखा हुआ था वो हमें इसमें ऐड करनी है। और फिर इस भिंडी को हम स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इस भिंडी को अभी फिलहाल आपको पूरी तरीके से नहीं पकाना है, इसको बस हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो रंग है वो हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। आज तो हम ये दही भिंडी की रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी सब्जी की रेसिपीज़ देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज़ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। चलिए, इस भिंडी का जो रंग है ये हल्का सा चेंज होने लगा है, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, और इस जीरा को हम अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। जब जीरा अच्छे से स्प्लटर हो जाए और इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तब हमें इसमें ऐड करना है 2 बारीक कटे हुए प्याज यानी कि अनियंस। और इस प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन यानी कि सुनहरा नहीं हो जाता। प्याज जब हल्का सा सुनहरा होने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन की पेस्ट, और 1/2 छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट यानी कि जिंजर पेस्ट। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 हरे मिर्च जिसको मैंने बीच से स्लिट कर लिया था। और अब इस अदरक लहसुन और हरे मिर्च को हम 1 या 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस सब्जी को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला यूज़ किया हुआ है, और यदि आपको भी इसकी रेसिपी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अब सबसे आखिर में हमें इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे मसालों को आपको स्लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। चलिए, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और जो मसाला है ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। यदि आपके जो गैस की फ्लेम है ये हाई पर होगी, या फिर अगर आपका तवा बहुत ही गर्म होगा, तो जो दही है वो तुरंत फट जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए पहले आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए, और उसी के बाद आपको इसमें दही डालना है। तो मैं इसमें तकरीबन 3 बड़ी चम्मच दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें दही डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, और फिर गैस की फ्लेम को स्लो पर रख कर हमें इस दही को इसमें अच्छे से मिक्स करना है, और इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब जो भिंडी को हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो हम इस ग्रेवी में ऐड करेंगे, और फिर इन सभी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है। अब आप चाहो तो इस सब्ज़ी को ऐसे ही खा सकते हो, या फिर इस सब्ज़ी को थोड़ा सा लिक्विडी बनाने के लिए आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसमें तकरीबन 1/2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको इस ग्रेवी को कितना गाढ़ा या फिर कितना पतला रखना है उस अनुसार आप पानी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें पानी डालने के बाद हमें इसको ढक कर स्लो फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है, या हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक जो भिंडी है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। चलिए, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुकी है। अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, और इस कसूरी मेथी को हम इस तरह से हाथों में रख कर इसे क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इस सब्जी में, तो आप भी इसे ज़रूर डालिएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और बस इन सभी चीज़ों को हमें वापस एक बार मिक्स करना है। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी दही भिंडी की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। ये बनाने में जितनी आसान है ना, उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। तो आप भी एक बार इस दही भिंडी की सब्जी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको और कौन सी सब्जी की रेसिपीज़ देखनी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए। आज हम एकदम ही ज़बरदस्त आलू मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे, और जिनको मेथी का फ्लेवर उतना पसंद नहीं आता उनको